इसे ब्रेक बनेगा पेंसिल से शेडिंग करूंगी
मेरे साथ जो जो नए अपना सब्सक्राइबर मिले हैं इनको मैं वेलकम कहती हूँ अपने चैनल पे, और आप हमारा साथ दें और साथ दें, सब्सक्राइबर बढ़े मेरे, और जो भी देख रहा है थैंक यू उसका। और ये मैं शेड डाल रही हूँ लाइट पेंसिल से, जहाँ जहाँ शेडिंग की ज़रूरत है, तो डार्क तो शेड अच्छा लगता नहीं। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये एच बी की मैं लेकर आई हूँ पेंसिल। आज मुहर्रम की आई थिंक 8 तारीख है, हमारा इस्लामी साल शुरू हो गया। अभी काफ़ी टाइम से मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं की, तो हैंड एम्ब्रॉयडरी भी करूँगी, अभी नहीं थोड़ा सा टाइम के बाद करूँगी, क्योंकि अच्छी खासी हैंड एम्ब्रॉयडरी भी हो गई है। और मुझे वो फ्लावर बनाना है, मुझे नेट स्टॉकिंग जो आती है ना वो, तो अब मुहर्रम के बाद ही जाऊंगी लेने इसका सामान। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं रहती तो बाहर निकलने का दिल नहीं होता मेरा, और थोड़ी देर में ये घबराहट शुरू हो जाती है बाहर निकलो तो। जाती तो गाड़ी में हूँ लेकिन बस हो जाती है, इसलिए मैं बहुत कम निकलती हूँ। निकलती हूँ तो गाड़ी में पानी और एक कुर्सी रखती हूँ अगर पे मार्केट जाना है तो, ताकि मैं थक जाऊँ तो फिर उस कुर्सी पर बैठ सकती हूँ मैं।
रोज़ रोज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, इतने नीचे उतरूँ, सीढ़ियाँ चढ़ूँ, उतरूँ, बाहर जाऊँ, मुझे सब में दर्द हो जाता है मेरे। और जाने का दिल भी नहीं होता मेरा, हिम्मत ही नहीं होती। तो ठीक है, आप लोग मेरे ये घर बैठे जो है ब्लॉग्स हैं वो पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, क्या कर रहे हैं हम, फर्ज करते हैं तो मेहरबानी, नहीं करते तो भी मेहरबानी। ऐसी खुली जगह पे घर हो, एक कमरा हो, बस खाली खुली जगह हो, दरख्त हो, गांव टाइप का हो, मतलब गांव भी हो, शहर सिटी भी हो साथ में, तो कितना मज़ा है जीने का खुले फिजा में। बहुत लाइट कर रही हूँ मैं शेडिंग, जो कि वीडियो में भी आपको नज़र आ रही है। शेडिंग हमेशा लाइट पेंसिल से ही करें तो बहुत अच्छी लगती है, ये मेरा मानना है। ठीक है, इतनी लाइट है। इसको क्या करेंगे, इसको टॉप कर देते हैं ना। थोड़ा सा कलर दे देती हूँ, आई थिंक वो जो धुआं निकलने की चल रही होती है ना, वो है शायद, तो हम ब्राउन कर देते हैं तो ये थोड़ा अलग से लगेगा। वेंटिलेटर भी होता है, वेंटिलेशन जो होता है हवा के लिए, रोशनी के लिए ऐसे घरों में, तो ये जो दरख्त है वो बिल्कुल पतझड़ वाला है। बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ, फ्लावर्स के पत्ते वगैरह देखती हूँ ये क्या करना चाहिए। यहाँ कर रही हूँ ये टॉप से डिज़ाइन, ये दीवार है। चलो मैं आपको बता,
अल्हम्दुलिल्लाह ये पेंटिंग ख़त्म हो गई, मतलब बना ली मैंने पूरी। आपको कैसी लगी आप बताना। और मैंने कहीं कहीं कलर टच किए हैं, ठीक है। आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको।